Hello everyone. A very warm welcome to PW UGC NET and a very warm welcome to our session. Today's session, mein, like I said, we have modern or ancient. Kar liya. So in today's session, we are going to go forward with medieval India and we are going to do some of the basic sources of medieval India before we go to the major section. So very very good evening to all of you. सूरज प्रसंजित सागरिका सदफ सचिन रीता रंजना ऑल इन वन ज्योति वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल सदी स्टडी विथ मुबीना मनी वानी पूजा सो अब हम लोग थोड़ा मिडिवल इंडिया की तरफ ओरिएंट करने वाले हैं बिकॉज फॉर द लास्ट फ्यू सेशंस वी हैड टू मच ऑन एंड मॉडर्न सो नाउ विल बी इंटीग्रेटिंग मिडिवल विद है प्रेपरेशन एज वेल सो साक्षी पाथु रेखा अंजना तेजेंदर राजदीप वेरी वेरी गुड इवनिंग

ओके सो सविता शौर्य एग्नेस आई मीन दवन स्वाति चलो सो लेट अस स्टार्ट हुसैन दैट इज सो स्वीट थैंक यू सो मच ऐसी मोटिवेटेड रहना है सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन दीज आर द रिक सेशन जो हम पहले कर चुके हैं सो so आज बहुत लोग लिख रहे हैं जिनकी पहली क्लास है प्लीज मेक श्योर की आप इन सारी चीजों को भी गो थ्रू कर लें पहले नेशनल मूवमेंट की क्वेश्चन क्रिनोलॉजी क्वेश्चन हिस्टोरियफी जर्निज्मी है हमने किया एक्ट वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट स्पेसिफिकली इंस्क्रिप्शन इन दिस वैली साइड बुद्धिस्ट मुद्राज और ऐसे बहुत सारे सेशन सेशंस हम खत्म कर चुके हैं जो कि अटेम्प्ट जून अटेम्प्ट को स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं सो फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव मिस दीस सेशंस प्लीज मेक श्योर कि जब आप मार्च में जाएं और नए सेशंस को शुरू करें यू आर अप टू डेट विद दीस सेशंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं मार्च के महीने में अनूप ज्योति सुषमा प्रिया वर्षा गुड इवनिंग सो इन टूडे मूव फॉरवर्ड और हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं सोर्सेस मिडीवल इंडिया इंडिया की प्रीवियस ईयर पे मैं एक अलग सेशन करूंगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर करेंगे ठीक है बट यहाँ पे सम ऑफ दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू द प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को ध्यान रखना है स्पेसिफिकली ठीक है चलो

चलो सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिमेंबर क्वेश्चन के साथ साथ जो स्टेटमेंट आते हैं उसको थोड़ा लर्न भी करना है ताकि एक क्वेश्चन से हम पांच अलग अलग चीजों को सीखें ना कि सिर्फ आंसर को सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर हिज साइंटिफिक अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग कल्हान को ग्रीक हिस्टोरियंस के साथ कंपेयर किया जाता है जैसे हेरोडोटस एंड थोसाइडस महाकाव्य दिस इज अ वेरी अम्पोर्टेंट एपिक पोयम इन संस्कृत जो हमें एविडेंस देता है ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चौहान रूलर ऑफ मालवा कमील उल तवारिक गिव्स एन अकाउंट ऑफ मोहम्मद ऑफ घूर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑफ दिस बुक इज शेख अब्दुल हसन जिसको पॉपुलरली हम लोग इबन उल खल्दून के नाम से भी जानते हैं शजारा आई अनसब इट बाय उर एंड ये नरेट करता है के लाइफ के बारे में और उनके जो सक्सेस हो गए उनके लाइफ के बारे में अब आपको क्या करना है आप आंसर तो मुझे बताओगे बट जो भी यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उसको प्लीज लर्न कर लीजिएगा और अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लीजिएगा ठीक है चलो सो so, इतिहास लेखन के संदर्भ में विच ऑफ इज करेक्ट दलहान की तुलना अक्सर हेरोडोटस और से की जाती है स्पेसिफिकली उसके अलावा हमीर महाकाव्य संस्कृत का एक महाकाव्य है जो मालवा के चौहान शासक की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करता है कमील उत तवारिफ मोहम्मद गुर की विजय का विवरण करता है इस पुस्तक के लेखक है अब्दुल हसन एंड स्पेसिफिकली इनको इब्न उल खल्दून के रूप में जाना जाता है फकर ए मुदबीर द्वारा लिखी गई शजारा सी अजब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो इल्तुतमिश और उनके सक्सेसेस के बारे में हमें बताती है सो वेयर वी हैव द पोल 30 सेकंड्स का टाइम चलो भाई सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट फॉर सम क्वेश्चंस आई गिव यू 45 सेकंड्स जो काफी कि काफी ज्यादा थ्योरी है ताकि आप आराम से पढ़ पाओ ठीक है सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर हम्म सो लेट अस सी हाउ मेनी यू हैव नीफ्य दिस क्वेश्चन करेक्टली आई थिंक कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं कुछ लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं करेक्ट आंसर सिर्फ ए है लेट अस सी हाउ मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन ठीक है फिफ्टीन परसेंट ओनली हैव आंसर डिज बॉकी बात बाकी बात सारे लोगों ने सब कुछ कर दिया है मतलब कि ठीक है यार हमेशा स्टेटमेंट्स में सारे नहीं होते सबसे पहले फॉर साइंटिफिक अप्रोच ये याद रखिएगा दिस इज एबसलिटली करेट अब पहली बात तो ये, नहीं होंगे, ये गलत है मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया, उसको पढ़ इनका नहीं है, और ये इलतुतमिश के बारे में नहीं बताते हैं ठीक है अब लेटर सी दी करेक्ट आंसर अब इसको नोट कर लेना ठीक है इस एक क्वेश्चन से हमने फोर एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को पढ़ा है ये आपको ध्यान रखना आंसर के अलावा वॉट इज द न्यू थिंग सबसे पहले हम महाकाव्य ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है संस्कृत में रिटन बाय न्यायचंद्र सूरी ये हमें एविडेंस देता है अबाउट किंग हमीरा कौन थे ये चौहान किंग ऑफ रंथनबोर ऑल्सो ये बुक हमें इंफॉर्मेशन देता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या पोलिटिकल ड्रामा जो है वो चल रहा था नेक्स्ट ये हमें मोहम्मद घूर के बारे में बताता है ये बुक लिखी गई है शेख अब्दुल हसैन एंड इनको कहा जाता था इब्न उल असीर ये वर्क 1230 के टाइम पीरियड में कंप्लीट हुई थी नाउ कमिंग टू थर्ड मुदाबिर ये पर्शियन स्कॉलर थे एंड स्पेसिफिकली ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन शजारा आई अनसब जो है ये पहला हिस्टोरिकल अकाउंट है जो घोरीज के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है ऑल्सो ये स्पेशल फोकस करता है कुतुबुद्दीन आईबक की लाइफ और जो भी उन्होंने अचीव किया है तो यहाँ पे एक सोर्स दिस इज अनदर सोर्स दिस इज द थर्ड सोर्स ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया और कलहान याद रखना कैसे उनको ग्रीक हिस्टोरियंस के साथ कंपेयर किया गया था तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट

टेक्स्ट एक अनोन ऑथर ने लिखा है जो चालू पीरियड को बिलोंग करते थे गुजरात के ठीक है ये जो टेक्स्ट है यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है और यह डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीजों के बारे में बताती जैसे रॉयल ग्रांट डीड्स क्रेडिट डेबिट ट्रेड उसके बाद प्राइवेट पब्लिक अफेयर्स ऑफ लैंड मर्चेंट ऑफिसर सबके बारे में बताती है ये अब आपको क्या कर रहे हैं ये किताब का कंटेंट मैटर है ठीक है तो आंसर जब आप दोगे आप ये पार्ट को लर्न कर लीजिएगा दिस टेक्स्ट कि भाई जो ऑफिशियल स्क्राइब्स थे उनके बारे में मान लो आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको लिखने के लिए ठीक है और ये टेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली एट टू थर्टीन सेंचुरी के टाइम पीरियड के बारे में बताती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट So, लेखा पद्धति देन वी हैव नवसरम चरित्र देन वी हैव विक्रमदेव चरित्र और कुमालपाट चरित्र सो विच इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो हियर इज द पोल आई विल गिवी फोर्टी फाइव सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो ठीक है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले मिडिवल अर्ली मिडिवल की अर्थव्यवस्था एंड सोसाइटी को समझने के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ठीक है देन उसके अलावा ये ऐसे लेखक ने लिखा है जो चालुक्यास गुजरात को बिलोंग करते थे ये किताब हर चीज का कंपाइलेशन है जैसे ऑफिसर्स के बारे में रूलर्स के बारे में उसके बाद डीड्स के बारे में व्यापारियों के बारे में ट्रेड के बारे में ऑल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक क्योंकि कहा जाता है दस्तावेज ऑफिशियल दस्तावेज कैसे करते थे ये सब इसमें लिखा हुआ है प्लस ये बुक एट टू थर्टीन टाइम पीरियड के बारे में बताता है सो विच इज द करेक्ट आंसर योर एंड रिमेंबर क्वेश्चन तो आप आंसर दे दोगे ये सब याद कर लेना कभी भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आया वन लाइनर क्वेश्चन आया कुछ भी आया यू शुड बी एबल टू एलिमिनेटेड करेक्ट आंसर योर इज ए दैट इज लेखा पद्धति एंड लेटे सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया नाइनटी परसेंट एब्सुलूटली स्पॉट ऑन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री आप देखो दीज आर सेकेंडरी सोर्सेस अगेन इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में यही आते हैं जो गलत होते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लाइन पोल ठीक है इन्होंने बोला है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सॉवरिनिटी इन इंडिया प्रॉपरली स्पीकिंग बिगिन फ्रॉम इल्तुत्मिश ठीक है भाई ये कहते हैं इट वॉज ही जो कि एक कंट्री की शुरुआत करते हैं कैपिटल की शुरुआत करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट की शुरुआत करते हैं एक मोनार्कियल गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं तो हम अगर कहते हैं ना डेली सल्तनत में प्रॉपर टाइम किससे शुरुआत हो इल्तुत्मिश ये इनका कहना है देन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन आरपी त्रिपाठी आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि भाई बलबन स्लेव थे वॉटर कैरियर थे 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 स्टेट्समैन एंड कहा जाता है है कि जो डेली सल्तनत है, उसके वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर्स में से एक थे एट द सेम टाइम हिस्टोरियन ए एल श्रीवास्तव कहते हैं जलालुद्दीन पहले ऐसे टर्किश सुल्तान थे जो बेनवालिन डिस्पोटिज्म जो है इसका कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं देन वी के एस लाल एस लाल कहते हैं फ्रॉम नथिंगनेस ये जो पर्सनालिटी है ये मिडिवल इंडिया का बहुत ही ग्रेट रूलर बन जाता है और ये बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको जनरली एक स्टेटमेंट आ जाएगी और पूछा जाएगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं सो ही जनरल अलाउद्दीन खिलजी ही वॉज वन ऑफ दो रूलर्स जो अपने पहले और अपने आले वाले रूलर्स में से ग्रेट थे तो ये हमारे हिस्टोरियंस हो गए किसने किसके बारे में क्या बोला है विच इज द करेक्ट आंसर अब हम लोग इसको हिंदी में भी देख लेते हैं लेन पुले के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रदाय का इतिहास ठीक तरीके से बोला जाए तो इलतुतमिश से इसकी शुरुआत होती है ठीक है उसके बाद इतिहासकार आरप्री त्रिपाठी के अनुसार बलबन गुलाम गुलाम थे शिकारी थे सेनापति थे राजनेता थे दिल्ली के राजाओं की लंबी कतार में से एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व देन वी हैव ए श्रीवास्तव कहा जाता है जलालुद्दीन डेली के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान थे जो परोपकारी निष्कुणता को आगे रखते थे एंड देन वी हैव एस लाल जो ये कहते हैं कि भाई हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये पर्सनालिटी कुछ भी नहीं था और ये इतना है क्योंकि नेट में आजकल मिडीवल इंडिया के क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट आते हैं तो बेसिक बुक्स तो सब लोग करके जाएंगे बट अगर क्वेश्चन थोड़ा लेवलअप होता है तो हमें ये सारी चीजें भी करनी है सो विच इज सी चलो कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर रखा है एंड वेरी वेरी गुड ठीक है जो नहीं लर्न किए हैं प्लीज इसको याद रखिएगा ठीक है सो करेक्ट आंसर हियर इज ए दैट इज थ्री एंड फोर बिल्कुल सही है ये दोनों इंटरचेंज है ठीक है सो पूरा का पूरा कोर्ट में आपको दे दूंगी एक्सप्लेनेशन कॉपी कर लीजिएगा हर फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आई विल शो यू द लीडर बोर्ड ये देखो आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अगर प्रॉपरली बोला जाए तो मुस्लिम सॉबरिनिटी इंडिया की जो है वो इलतुतमिश से शुरू होती है ये एक नया तरीके का कैपिटल गवर्निंग स्टेट एक मोनार्कल गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं लाइन पोल जो है ये कहते हैं कि भाई बलबन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कंपेयर टू सारे रूलर्स का लाइन देन वी हैव ए एल श्रीवास्तव जो ये कहते हैं कि जलालुद्दीन वॉज द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जिन्होंने डेस्पोटिज्म को सबसे पहले रखा एंड वी हैव के एस लाल जो कहते हैं कि भाई ये रूलर शुरू हुए थे फ्रॉम नथिंग एंड हीस्ट रूलर तो पहला तो इंटरचेंज था बाकी सही था इसको अपने नोट्स में एड कर लेना जब भी आप मिडिवल पढ़ो और सोर्सेस पढ़ो ना इन बेसिक कोर्ट्स को ध्यान रखिएगा नेक्स्ट किसके बारे में बात करें आपको नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हु हैज इट ठीक है माय फ्रेंड्स वोर्ड एंड माइन कैन कंपेल टू प्रोफेस द न्यू रिलीजन माय नेम फ्रेंड्स विल एक्सिस्टर एलिफेंट एंड आर्मी आई विश टू हैंड ओवर द चार्ज ऑफ डेली किंगडम टू अ वाइसरॉय लॉन्च मायसेल्फ अ कोर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट विद दिस आर्मी लाइक एलेक्सेंडर टिल आई कॉन द होल वर्ल्ड तो किसने ये बोला है मेरे दोस्त की तलवार और मेरी अपनी तलवार मानव जाति के नए धर्म अपनाने को मजबूर कर सकती है मेरे और मेरे दोस्तों का नाम कयामत के दिन तक मौजूद रहेगा मेरे पास हाथी खजाना अनगिनत सेना है एंड ये कहते हैं कि सिकंदर की तरह मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं तो ये कौन है और किसने ये बोला है थर्टी यू सेकेंड्स सो वी वी हैव हैव अकबर मोहम्मद बिन तुगलक औरंगजेब या हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की अब आपको क्या करना है ये कोट याद रखना है दूसरा किसके साथ इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है साथर थिंग इज ठीक है चलो कोई बात नहीं हमारी सेशन शुरू होती है पांच बजे और अभी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं क्योंकि अब हम एक्चुअल सेंस में काउंटडाउन में जा रहे हैं तो लॉर्ड ऑफ मैराथन सेशंस आर कमिंग डोंट वरी चलो भाई ये तो आई थिंक हंड्रेड परसेंट हमारा पोल आना चाहिए नन देन अलाउद्दीन खिलजी जिसमें यूजीसी नेट में मल्टीपल पैराग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं नाइनटी सेवन परसेंट चलो इसके बाद हम लीडर बोर्ड देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बाद चलो हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड थ्री हंड्रेड वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाई फिरोज तुगलक ड्यूरिंग कैंपेन ऑफ नागरकोट तो इनमें से कौन है जो फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान अप्रॉक्सिमेटली थ्री हंड्रेड संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करते हैं वी हैव तालिब अमूली देन वी हैव मुल्ला अब्दुल बाकी हम बात करें मिर्जा मोहम्मद की और अजीजुद्दीन खान अली की इसके बाद हम लीडर बोर्ड देखेंगे ठीक है चलो ंग दी फॉलोइंग ट्रांसलेटेड थ्री हंड्रेड वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाई फिरोज तुगल ड्यूरिंग दी कैंपेन ऑफ नागरकोट तालिब अमूली मुलाव मिर्जाव अजीजुन खान अली सो विच इज दो इसके बाद लेट सी दी लीडर बोर्ड एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यूर एब्सोल्यूटली राइट दैट इज अजीजुद्दीन खान अली देखते हैं कितने लोगों ने इसका जवाब दिया है वेरी फ्यू फोर परसेंट पीपल द राइट आंसर अब इसका बेसिक जो आइडिया है इसको याद रख लीजिएगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फिरो शाह मार्च अगेंस्ट नागरकोट एंड ही मेड रूलर्स टू पे हिम द ट्रिब्यूट इस कैंपेन के टाइम पीरियड में इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली थर्टीन हंड्रेड संस्कृत मेनोस्क्रिप्ट जो है ये स्पेसिफिकली लिया था फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी एंड नजीजउुद्दीन खान जो है ये इसको पर्शन में ट्रांसलेट करते हैं अंडर द टाइटल द ए फिरोज शाही ठीक है अब वैसे तो सोर्सेस पे बहुत क्वेश्चन है आज हम बेसिक कर रहे हैं ठीक है चलो लेट अस सी आफ्टर फाइव क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारे लीडर बोर्ड का हाल सो वी हैव सपना रंजना वी हैव गीता वानी वर्षा अमीन प्रणय राजदीप एंड ऑल इन वन ये हमारे टेन हो गए टू सागरिका साक्षी रेखा आस्था श्रेया ज्योति प्रगति मानिनी सदफ सचिन काफी टफ कॉम्पिटिशन आई थिंक एवरीबडी हैज आंसर्ड द सेम सेम सो हुसैन पूर्वी अनुराग अनूप शौर्या स्नेहा स्वाति इजाबेल सर्वेश पूजा प्रिया अंजना मोनिका सुदीप रोशनी सुषमा संगीता देन वी हैव विनीत मौसमी प्रतिमा शुभी एग्नस अल्पना वी हैव उपियाना नाजिया देन वी हैव सपना ज्योति हिस्ट्री एंड हिस्ट्री मिश्ती स्टडी विथ मुबीना देन वी हैव आरती देन वी हैव प्रसेंजित एंड देन वी हैव एक लब्य ठीक है चलो तो जो लोग लेट आए एक एक क्वेश्चन अटेम्प्टे सेशन शुरू हो जाता है तो प्लीज पांच बजे आ जाया करिए सेशन में मूविंग टू द नेक्स्ट सेवरी वन यो ठीक है भाई अब आ जाओ हमारे हिस्ट्रीज एंड कौन कौन सी किताब है सो so, भार मिरात सिकंदरी बुरहान ए मजीर रिवासुल सलातीन एंड रियाजुल इंशाफ कौन हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में हमें बताता है कौन हिस्ट्री ऑफ बहमनी अहमदनगर के बारे में बताता है कौन हमें बताता है दी कलेक्शन ऑफ महमूद गवान लेटर्स एंड विच बुक टॉक्स अबाउट गुजरात का विक्ट्री सो दीज आर इंपॉर्टेंट बुक्स और ये हमारे कॉन्टेक्स्ट हो गए सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर सो वी हैव निराते हैव रियाजुल सलातीन एंड वी हैव रियाजुल इल्षा सो बंगल का इतिहास देन वी हैव बर्मनी के अहमदनगर का इतिहास महमूद गवाओं के पत्रों का संग्रह एंड गुजरात विजय सो so कौन सी बुक है और कौन सा हमारा बेसिक कंटेंट मैटर है सो विच इज द करेक्ट आंसर अब जनरली जब हम रीजनल डायनेस्टीज करते हैं एक यूट्यूब पे मैं आपको सेशन दिलाऊंगी रीजनल डायनेस्टीज का ठीक है तो उस रीजनल डायनेस्टीज में ना बेसिक बुक्स और बेसिक जो रीजनल डायनेस्टीज के पॉलिटिकल पार्ट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे बट उस सेशन में आप लोग जरूर आइएगा क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड uh, सा टॉपिक होता है बहुत लोग उसको सिप करते हैं सो प्लीज सी की बिफोर नेट कौन से एरियाज है जो आपके वीक है सो दैट आप उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट ठीक है सो द करेक्ट आंसर योर इज ए लेटरसी कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है टेन परसेंट ओनली नो इश्यूज अब इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में

तो कौन सी हमारी ऑथर हो गई कौन से हमारे वर्क हो गए विच ऑफ दियर इसमें आप एलिमिनेशन कर सकते हो अगर आपको एक पता है तो आप इसमें से एलिमिनेशन कर सकते हो सो वी हैव बलाल सेन जगन्नाथ पंडित कृष्णदेव एंड शुक सो वी हैव पारिस प्रकाश भोज प्रबंधक वी हैव राजवली पतका एंड वी हैव रसंगार गंधार सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट ट्राई टू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन ठीक है बस से हम इसमें एलिमिनेशन कर सकते हैं सो लेट्स सी हु गिव्स दी आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू आर राइट अगर आपको ये पता है तो इससे हम सीधे-सीधे एलिमिनेशन -सीधे कर लेंगे इस आंसर का एंड वेट टिल द एंड ऑफ द सेशन सेशन के एंड में आई टेक अ पोल कि मार्च में व्हाट ऑल टॉपिक्स डू यू गाइस वांट सो वेट टिल दी सेशंस एंड ओके चलो सो द करेक्ट आंसर हियर इज डिन एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ यू सेड दैट बलाल सिंह अगर हमें पता है बोझ प्रबंधक वी ए एस थ्री तो यहाँ से सीधे सीधे हम इसको एलिमिनेशन कर सकते थे ठीक है सो वी हैव एटी वन परसेंट अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संस्कृत लिटरेचर इन मिडिवल एज ठीक है वन ऑफ दी फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्ग जो कि संस्कृत में प्रोड्यूस हुआ था मिडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में इट वॉज कलहान राज तरंगिनी ठीक है देन दी है पृथ्वीराज विजय यह बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत एपिक पोयम थी हमारे किंग पृथ्वीराज द थर्ड के बारे में ठीक है बंगाल में कालुका पब्लिश करते हैं अपनी कमेंट्रीज ऑन मनु की कोड एंड बिहारी कृष्णदास ने लिखा था परिप्रकाश एंड कहा जाता है ये संस्कृत इक्विलेंट्स बताते हैं बहुत सारे पोर्शन टर्म्स के आप कुछ पोर्शन टर्म यूज करो उसका संस्कृत इक्विलेंट क्या है ये इस किताब में जिक्र है तो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट ठीक है सो वन ऑफ द मोस्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग वर्क जो कि काफी ऐतिहासिक वर्क था इट इज स्पेश संस्कृत का राज कलहान राज तरंगिनी पृथ्वीराज विजय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक पोएम जो कि स्पेशली पृथ्वीराज द थर्ड के लाइफ के बारे में बताती है बंगाल में कालू का पब्लिश करते अपनी कमेंट्रीज ऑन द कोड ऑफ मनु एंड बिहारी कृष्णदास स्पेशली लिखते हैं परिप्रकाश एंड ये पर्शियन टर्म्स का संस्कृत इक्वल बताता एंड मैक्सिमम ऑफ यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है and maximum of you are चलो सारे ही ऑप्शन यहां पे सही है जिनका गलत हुआ है ना प्लीज एक बार ना ये स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा ठीक है चलो नाउ लेट अस डू दिस इन लिटिल बिट डिटेल थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन जो आपको मदद करेंगे फॉर एग्जामिनेशन वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क संस्कृत में जो था इट वाज कलह राज तरंगिनी जो ऑब्वियसली हमें कश्मीर की हिस्ट्री बताते हैं दिस वाज फॉलोड बाय पृथ्वीराज विजया एंड हमीर विजय ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है जो ट्वेल्थ सेंचुरी में प्रोड्यूस होते हैं पृथ्वीराज विजय वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत एपिक पोयम ऑन लाइफ ऑफ पृथ्वीराज थर्ड ठीक है एंड इट इज सेड अप्रॉक्सिमेटली टेंथ सेंचुरी के टाइम पीरियड में हुआ था बाय जैनका जो कि कश्मीर हिस्टोरियन थे इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे बंगाल में कालुका पब्लिश करते हैं अपनी कमेंट्रीज ऑन दी कोर्ट ऑफ मनु चंदेश्वरा ने डाइजेस्ट लिखा था स्मृति से ऑल्सो इट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क गीत गोविंद आपको पता ही है बाई जयदेव एंड बिहारी कृष्णदास ने लिखा था परिप्रकाश जिसमें बहुत सारे पर्सन Terms के संस्कृत है। Another important work was Ram Vinod by Ram Chandra, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था अकबर के टाइम्स का तो ये बेसिक बुक्स को याद रख लेना जो भी आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूजन था उसको एड कर लीजिएगा नाउ मूविंग टू द प्रीवियस इबारन मोरलैंड अथर अली ठीक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मुगल्स देन वी हैव इंडिया एट दकबर मुगल नोबिलिटी अंदर औरंगजेब एंड देंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है इसके बाद लीडरबोर्ड देखेंगे हम लोग चलो तो विच इज द करेक्ट आंसर सो वी हैव पीस सरन वी हैव मोरल एंड वी हैव अथर अली So the provincial government of the Mughals, India at the death of Akbar, Chikke, and then we have basically Orbi bots are important books. Mughal nobility under Aurangzeb and the central structure of Mughal India. Now, look, remember I नोट्स बनाने को बोला था ऑन सोर्सेज जिन्होंने बनाया है ये सारे बुक्स आप उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है तो आपकी पूरी की पूरी कलेक्शन बनते रहेगी बिफोर जून आपने बहुत बुक्स को नोट कर लिया होगा इनको प्लीज अपने नोट्स में आप ऐड कर दीजिए एंड मोस्ट ऑफ यूर एप्सोल्यूटली करेक्ट करेक्ट आंसर हियर इज डी लेटर सी कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है वेरी फ्यू पीपल मैं यहां पे ज्यादा स्क्रिबल नहीं कर रही हूं ठीक है ताकि आपको नोट करने में थोड़ा इजी रहेगा मूविंग टू द नेक्स्ट चलो वी हैव निजाम अहमद वी हैव काफी खान अब्दुल हामिद लाहौरी एंड मोहम्मद काजिम वी हैव तबाकत अकबरी मसीर अलामगीरी पादशाह नामा एंड अलामगी नामा सो कौन से हमारे वर्क हो गए एक पैर इसमें ऐसा है जो कि गलत है कौन सी वो वर्क है जो गलत है और जो गलत है उसका सही जवाब क्या है व निजामुदन अहमद काफी खान वी हैव अब्दुल हामिद लाहौरी एंड मोहम्मद काजिम सो वी हैबाकत अकबरी वी है अलामगीरी पादशाह नामा अलामगीर नामा सो आई जस्ट मूव अड की आप आराम से देख लो क्वेश्चन एंड जो गलत है उसका सही जवाब क्या है कौन सबसे पहले सही जवाब देगा स yes, अनुराग करेक्ट एंड रेस्ट चलो तो so, कौन सा गलत है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द गलत आंसर यूर एब्सोल्यूटली करेक्ट तो प्लीज रिमेंबर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ठीक है बी इज द रॉन्ग आंसर देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब जो है ये दिया है ठीक है स्त खान ने इसकी कंपाइलेशन की थी अब आफ्टर टेन क्वेश्चन लेटस मूव टू दीडर बोर्डोर टेन सो वी हैव गीता वी हैव रंजना सपना तो लीडर बोर्ड में थोड़े चेंजेस आए हैं देन वी हैव श्रेया रीता सागरिका राजदीप वानी देन वी हैव ज्योति प्रणय वर्षा अमीन सचिन अनुराग विनीत पूजा स्नेहा देन वी हैव साक्षी मोनिका अंजना सदफ रेखा हुसैन प्रगति स्वाति अनूप ऑल इन वन देन वी हैव सपना त्रिपाठी वी हैव सुषमा प्रतिमा वी हैव पूर्वी आस्था रोशनी संगीता मनीनी वी हैव सर्वेश शुभी वी हैव स्टडी विथ मुबीना इजाबेल शौर्या वी हैव एग्नस प्रिया अल्पना सुदीप सूरज नाजिया देन वी है बहुत लोग एंड एंड में आए हैं ठीक है चलो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर टू गो चलो विथ रेफरेंस टू तारीख बदौनी और मुंतबाबुल तवारिक कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है ये थ्री पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है इसमें बदावनी ने स्पेसिफिकली हिस्ट्री के बारे में शुरुआत की है फ्रॉम दी रूल ऑफ सुबुकतिन टू दी रेन ऑफ हुमायूं ठीक है आल्सो इसमें हमें अकबर के टाइम पीरियड के बारे में भी पता लगता है बदावनी स्पेशली क्रिटिसाइज दी रिलीजियस व्यूज एंड पॉलिसी ऑफ अकबर तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है जब हम तारीख बदावनी और मुंतखाबुल तवारीख के बारे में बात करते हैं ठीक है ये तीन भागों में विभाजित है इसमें से बदाउनी स्पेशली सुखबुद्दीन के शासन के साथ साथ हुमायूं के शासनकाल तक का इतिहास बताते हैं 1594 में अकबर के शासन के दौरान का इतिहास भी बताते हैं एंड बदाउनी अकबर के रिलीजियस विचारों और नीतियों को क्वेश्चन करते हैं सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर आई विल मूव असाइड ठीक है सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर सो वी हैव बी डी सी सारे ही क्वेश्चंस ठीक है करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया 12 परसेंट पीपल ओनली नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में जनरली

इतना ज्यादा रूइन था कि भाई कोई कोई डॉग हमें कुछ कुछ भी नहीं मिला अमंग द द बिल्डिंग्स ऑफ सिटीज मतलब इतनी खराब तरीके से सब डिस्ट्रॉय हो गया एबन बतूता कहते हैं कि इन द नाइट द सुल्तान माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ इस पैलेस पूरे दिल्ली को देखते थे जहां पे ना कि एक लाइट जल रहा है ना कि एक स्मोक आ रहा है और इन्होंने रिमार्क किया नाउ माई हार्ट इज प्लीज एंड नाउ माई सोल इज एट इट्स रेस्ट इसामी कहते हैं कि भाई इन्होंने ऑर्डर किया था द सिटी शुड बी सेट ऑन फायर एंड दॉपुलर शुड बी टर्न आउट ऑफ इट अब अगर आपको आ जाएगा कि किसको रेफर कर रहे हैं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है अब इसमें से किसने क्या बोला है इज करेक्ट यही सब आपको ना प्रीवियस ईयर में कॉम्प्रीहेंशन हो गया ठीक है और दे विल टेल यू आइडेंटिफाई द रूलर या किसने लिखा है इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली हमारे मार्क्स कटते हैं लेट्स इन शाम से शिराज अफीफ ये कहते हैं कि भाई जीवन की आवश्यकताएं काफी ज्यादा थी और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ फिरोज शाह के शासनकाल में भी अनाज काफी सस्ता था लेकिन बिना प्रयास किए बरनी कहते हैं सब नष्ट हो गया सब कुछ खंडर हो गया इतना कि किसी भी इमारत में हमें बिल्ली कुत्ता कुछ नहीं मिला इब्न बतूता से रात में सुल्तान अपने महल के छत पर चढ़ गए दिल्ली के चारों ओर देखा कोई रोशनी नहीं है कोई धुआं नहीं है कोई दीपक नहीं है और उन्होंने कहा अब मेरी आत्मा को शांति मिली इसामी कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक जो है स्पेसिफिकली ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने आदेश दिया कि दिल्ली को आग लगा दी जाए और सारे आबादी को यहां से बाहर निकाला जाए सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर सो विच इज द करेक्ट आंसर इसको बस दिमाग में रखिएगा ऑब्वियसली सेम कोट आपको नहीं आएगा बट इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन है एंड मोस्टली जब हम सोर्सेज की बात करते हैं यहां पे हमारा ज्यादा गलत होता है पेपर में ठीक है चलो सो लेट अस सी विच इज द करेक्ट आंसर हि एक्चुअली इसमें सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं ठीक है ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर ठीक है जिनका गलत हुआ है सिर्फ 12 परसेंट लोगों ने ये आंसर दिया है जिनका भी गलत हुआ है इनको कोर्स याद रख लीजिएगा सारे ही सही है ठीक है नेक्स्ट ओके अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है किसने बोला कि एक राजा जो है ये अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते सोल्जर्स सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते सैलरी कहां से आती है रेवेन्यू से रेवेन्यू किससे लिया जाता है किसानों से बट किसान तभी रेवेन्यू दे पाएगा ना अगर वो खुश है अगर वो समृद्ध है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सब कुछ ठीक चाहिए तो आपको किसानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और किसान को ठीक करोगे तो सब कुछ हो जाएगा तो स्पेसिफिकली फकीर ए मुदाबीर अबू बकर बिन मोहम्मद हम बात करें नूरुद्दीन मोहम्मद अफी और ताजुद्दीन दाबिर सो दिस ठीक है कि भाई राजा सवाइव नहीं कर सकते सोल्जर्स के बिना इसको याद भी कर लीजिएगा सोल्जर्स के नॉट सवाइव सैलरी के बिना सैलरी कहां से आती है रेवेन्यू कलेक्शन से रेवेन्यू किससे लेते हो किसानों से किसान तभी रेवेन्यू दे पाएंगे जब वो समृद्ध है खुश है इसका मतलब है कि राजा को जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस प्रमोट करना चाहिए तभी सब कुछ अच्छा चलेगा है ना सो हु हैज सेट दिस क्वेश्चन नंबर थर्टीन वी हैव टेन मोर क्वेश्चंस टू गो ठीक है चलो भाई सही जवाब है ए लेटर सी कितने लोगों ने हमें सही जवाब जो है ये दिया है 56 सिक्स परसेंट एप्सुलूटली करेक्ट आप इसको याद रख लेना एंड फकीर उद का नाम याद रखना ठीक है आप देखो ये है क्या आई थिंक अभी uh, आपको यूजीसी नेट में आया था ना आई थिंक यूजीसी नेट या यूपीएससी फिल्म में आपको एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग तवारिक हिस्ट्री इज नोन एज तारिक और तवारिक इन पोर्शन ये स्पेसिफिकली हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं ये जो तवारी के ऑथर्स होते थे ये पढ़े लिखे लोग होते थे मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं जो पोर्ट हैं जो कोर्टियर्स को हो गए ठीक है ये सारे इवेंट्स के बारे में हमें एविडेंस देते हैं एंड राजाओं को अगर ये कुछ समझा रहे हैं कहीं कुछ असिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में दे से कि एक जस्ट रूल कितना ज्यादा जरूरी अब ये आपको ना अभी रिसेंटली नेट में आ रखा है ऑफ सिटी में रहते थे थे मोस्टली बहुत ही कम लोग थे जो विलेज में रहते थे ये हमेशा हिस्ट्री लिखते थे सुल्तान के लिए ताकि इनको काफी अच्छा अवार्ड मिल जाए कैसे आपने संगम पोएम्स में देखा होगा कि संगम रूलर्स और पोएट के बीच में रिलेशनशिप है दे ऑल्सो रोट लाइक दैट ये ऑथर्स एडवाइस करते थे राजा को कि भाई एक आइडल सोशल ऑर्डर रखना चाहिए तभी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है ठीक है एंड हाउ एवर इस पर बहुत लोगों की रजामंदी नहीं थी एंड यहां हैं सर्कल ऑफ जस्टिस दैट इज ए ये सेंचुरी में लिखते हैं कि ये सर्कल ऑफ जस्टिस है क्योंकि हर कुछ किसानों से आ रहा है किसान खुश रहेंगे तो खेती बाड़ी भी करेंगे आप उससे रेवेन्यू भी लोगे उससे आप अपने सोल्जर्स को दोगे सोल्जर्स से सेना आगे बढ़ेगी आप रक्षा करोगे किंगडम के सब कुछ ठीक चलेगा तो इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस की जिसपे सब कुछ डिपेंडेंट है हम लोग उसी का शोषण कर रहे हैं हम लोग उन्हीं को टॉर्चर कर रहे हम लोग उन्हीं से हाई टैक्सेस ले रहे हैं तो उनको ठीक रखोगे जस्ट रूल रखोगे तो सब कुछ ठीक चलेगा ठीक है तो ये पूरी थ्योरी को हम सर्कल ऑफ जस्टिस कहते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर फोर्टीन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कुछ बुक्स हो गए हम पहले तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा है मैच द फॉलोइंग तो ये अमीर खुसरो की किताब हो गए किसका कंटेंट मैटर क्या है

करेक्ट ठीक है चलो सो लेट अस स्टार्ट पोल आपको क्या करना है आप देखो कई बार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू बी स्मार्ट हियर कि आपको ये बेसिक कंटेंट पता होना चाहिए अच्छा इस किताब में ना इस पे ज्यादा फोकस किया गया तो कभी कुछ कॉम्प्रिहेंशन आया दे विल टेल यू किसके टाइम पीरियड का है किसने लिखा है तो यहां से आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स डेवलप करने ठीक है So, Kiran Sadan, and then we have uh, Miful Fatu, we have Nur Sipir, and we have Khazan Ul Fatu. So, which is the correct answer here? Chalo. I think most of you are absolutely correct. Theke? इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आई थिंक सबने ही इसका सही जवाब दिया है जितने लोगों ने दिया सी वी हैव ट्वेल्व परसेंट ओनली ठीक है जिनका गलत हुआ है एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इनको कंटेंट याद रख लो सदैन ये हिस्टोरिकल अकाउंट है पोइट्री के फॉर्म पीरियड में जो मुजुद्दीन कैकवाद और बुग्र खान के बारे में बात करता also, आपको ये भी बताता है पोएट्री है ये, में. ये हमें जलालुद्दीन खिलजी के कैंपेन के बारे में बताता है तो आपको इनके बारे में कोई लाइन आ गई एंड इफ दिस इज देर इन दिन आप यहां से एलिमिनेशन करेंगे ठीक है देन वी हैव हमें इंफॉर्मेशन देता है अलाउद्दीन खिलजी के विक्ट्रीज के बारे में एंड दिस टॉक्स अबाउट सोशल कंडीशन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के टाइम पीरियड में ऑल्सो भारत का क्लाइमेट कैसा था भारत का रिलीजियस बिलीफ कैसा था ठीक है भारत के जानवर कौन से थे बर्ड्स कौन से थे इनके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है ठीक है तो प्लीज ये सब ना थोड़ा सा पढ़ लेना और एक एक लाइन में कंटेंट मैटर को सीख लीजिएगा नेक्स्ट नंबर फिफ्टीन

तो आज इस पंद्रह क्वेश्चन में टेक्निकली हमने सिक्सटी सोर्सेस के बारे में बात किया क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने आपको तीन चार बुक्स uh, तो दिए ही हैं तो आपको क्या करना है बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट सोर्सेज आपको ये सारे पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना है ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग और इनको नोट करते जाइए जो भी आपके नोट्स वाला सेक्शन होगा उसमें ये लिखते जाओ क्योंकि बाद में हम लोग कुछ और बुक्स करेंगे कहीं ना कहीं आप पीछे भूल जाओगे रिमेंबर एवरी सेशन नाउ इज हैपनिंग फॉर द जून अटेम्प्ट एंड जो सेट एग्जाम्स दे रहे हैं आपके लिए तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है करेक्ट आंसर हियर इज यूर रिसटर्स सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है वी हैव ओनली कोई बात नहीं बट आप थोड़ा सा आपको सेशन पे रेगुलर रहिए और इन चीजों पर ध्यान दीजिए रिटन इन सी ख्वाजा मलिक इसामी तारीख अफगान इट वॉज स्टार्टोटीन फिफ्टी वन बाई अहमद यादगार तारीख मोहम्मदी मोहम्मदीटेड इन फोर्टीन थर्टी नाइन बायमद खानी एंड सिरात सिरा फिरोशाही थर्टीन सेवेंटी जो हमें फिरोशा तुगलक के टाइम पीरियड के बारे में बताता है ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेशन ऑन सोर्सेज अभी तो हमने दिल्ली सल्तनत का अलग करेंगे या मुगल्स का अलग करेंगे सो विच मीन्स मिडीवल सोर्सेज एक ऐसी टॉपिक है जहां पे एक्चुअली हमारे मार्क्स जाते हैं एंड I think today's session tells us that we need to study well. तो इसके बाद हम लीडर बोर्ड देखेंगे एंड देन आई विल आस्क क्योंकि कि नेक्स्ट सेशन हम किस पे करेंगे तो आपकी एक और मुझे पोल चाहिए बिकॉज आई थिंक अच्छा क्या इधर सी okay, so कितने लोगों ने क्या किया है सो अस सी द टॉप टेन स्टूडेंट्स ऑफ टूडेज क्लास बट याद रखना इसमें हमें सिर्फ अपने मार्क्स से मतलब होना चाहिए कि हमारी कौन सी टॉपिक वीक है और किस टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं और किस टॉपिक में हम थोड़े पीछे रह रहे हैं ठीक है सो यू हैव टू चेक ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू चेक ऑन योर मार्क्स So we have Sapna, then we have Rita and Sniha. I think we have very different rankers today. Congratulations. Then we have Vineet, Geeta, Vani, Amin. Then we have Pranay, Ranjana, Sagarika, Anup, Rajdeep. Then we have Swati, Shreya, Monica, Sakshi, Rekha, Sachin, Barsha, Jyoti, Hussein. Then we have Aastha, Sadaf, Anurag, Pooja, Anjana, Shushma, Sapna, uh, Pragati. We have Isabel. पूर्वी सर्वेश ऑल इन सूरज रोशनी संगीता नाजिया शौर्य प्रिया एग्नस देन वी हैव अल्पना ज्योति मौसमी हिस्ट्री एंड हिस्ट्री वी हैव उपयाना वी हैव जयसवाल तेजिंदर वी हैव मिश्ती देन वी हैव आरती प्रसेनजीत एक लव्य राजीव एंड सेज दी रैंक फॉर टुडे सेशन बट लाइक आई सिर्फ हमें रैंक से मतलब नहीं दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि आप खुद से देखो कि कौन सी टॉपिक आपकी वीक चल रही है इसके बाद वी विल मूव इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन होगा डेली सल्तनत पे तो आज हो गया ट्यूजडे और हम मिलेंगे थर्सडे को एवरीबडी तो थर्सडे को 5 पीएम दिल्ली सल्तनत पे सेशन है ठीक है आई विल गिव यू ऑल द यूनिक क्वेश्चंस तो दिल्ली सल्तनत के सेशन को अटेंड करना ना भूले ठीक है एंड इसके बाद चलो लेट मी टेक वन मोर पोल ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है दत्रा एंड श्रीनी इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक टर्म्स थे क्या रिप्रेजेंट करते थे ये ये रिप्रेजेंटेड करते थे हल उपजाऊ भूमि बाली या दराती अब इसके बाद हमारा फेब्रवरी का महीना खत्म हो गया I think we had lot of interesting sessions. तो अब मार्च का महीना शुरू होने वाला है एक ही दिन बचा हुआ है हमारे यूट्यूब सेशन में अब मार्च में चलो मैं आपको कुछ ऑप्शन देती हूं आपको सबसे पहली सेशन किस पे चाहिए ठीक है डेली सल्तनत सोर्सेस नहीं दिल्ली सल्तनत हम कभी कर रहे हैं तो फिर ये एक तरीके का रेपुटेशन हो जाएगा ठीक है डेली सल्तनत मिटाते हैं क्योंकि आई थिंक कल की क्लास खुद डेली सल्तनत पे है ठीक है सो वी हैव मुगल इंडिया और मुगल इंडिया सोर्सेस स्पेसिफिकली ठीक है और नंबर थ्री हम कर सकते हैं न, 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 ब्रिटिश इंडिया मॉडर्न का ठीक है और वी विल डू ब्रिटिश इंडिया के बाद बताओ और क्या चाहिए टेम्पल आर्किटेक्चर अगर मैं कर तो क्या आप आर्किटेक्चर के क्लास में आएंगे क्योंकि जब भी आर्किटेक्चर होता है आधी क्लास यहाँ से गायब रहती है तो मल्टीपल चॉइस हमारे क्वेश्चन है नहीं सिंगल चॉइस ही रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए चलो भाई बोल सो दिस इज फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ मार्च ठीक है ट्यूजडे uh, को डेली साल चलो भाई मार्च में क्या करेंगे Coins. Coins तो फिर मिडिवल एक साथ हो जाएगा स्पेसिफिकली रीजनल हिस्ट्री ठीक है चलो बताओ तो रीजनल हिस्ट्री हो गया ओके टेल मी व्हाट ऑल टॉपिक्स यू वांट आई विल पुट दैट इन द मंथ ऑफ मार्च एंड वी कैन है टेंपल आर्किटेक्चर हो गया और खत्म हो गया कुछ भी मैं डाल देती हूँ चलो जैसे हमने बी डाल दिया फॉर एग्जाम्पल So, we have 40% who saying Mughal India sources. Because after today's class, we that sources are important. Then, we have 32 temple architecture. Okay, done. I will put all of these sessions in March. So, in March, we will have regional dynasties. In March, we will have pre-INC associations. Okay, done. ओके सो इन द मार्च आई विल ऐड ऑल दीज टॉपिक्स मैं आपको पहले टॉपिक uh, शेयर कर दूंगी सो विच विच डे वी आर हैविंग डू मेक श्योर यू यूड कुछ स्पेशल सेशंस भी होंगे आपके लिए ठीक है अर्ली मिडीवल के ऊपर ठीक है अर्ली मिडीवल भी हम कर सकते हैं अर्ली मिडीवल में सारे डायनेस्टीज आगे वन एंड विदेशन सो एज आई सेशन में आप आंसर दे रहे हो ये तो ठीक है बट आपको ये करना है कि हर एक सेशन से आपने कुछ सीखा है लाइक इन सेशन हमने पंद्रह क्वेश्चन किया बट उन फिफ्टी क्वेश्चन में हमने ट्वेंटी बुक्स को कहा ने अप्रोक्सिमेटली 60 बुक्स को कवर किया हर में चार ऑप्शन तो था ही हमारे तो 60 बुक्स हमने कवर कर दिया बुक्स एंड ऑथर्स हमने की थी वहाँ भी हमने 60 बुक्स कवर कर दिया था हिस्टोरियोग्राफी का हमने सेशन किया था वहाँ भी हमने साठ बुक कवर किया है तो इन सेशंस का आपको ट्रैक रखते जाना है क्योंकि अगर आप एकदम से एग्जाम के पहले खोजोगे ना ये सेशंस इट विल बी टू मच लोड ओके ऑल्सो प्लीज रिमेम्बर अब फेब्रुवरी खत्म होने वाला है तो अब आप सच में बहुत ही सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि मार्च अप्रैल में तीन ही हमारे पास महीने बचे हैं ठीक है एंड सोर्सेस को अच्छे से करना क्योंकि देखो मैक्सिम गलतियां sources होती है चाहे वो एंशंट हो मीडियम हो या मॉडर्न हो क्योंकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एंड देर आर सो मेनी सोर्सेज आप हर सोर्स रट के नहीं जा सकते हो तो देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि बेसिक एलिमिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो सो ऑल ऑफ दिस डेवलप एंड ये सारे टॉपिक्स जो आपने बोला है हम लोग सब कुछ करेंगे मार्च के महीने में सो प्लीज स्टे अपडेटेड एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन तो हमारे सेशन होते हैं थर्सडे एंड सैटरडे को पांच बजे तो प्लीज मत भूलना जो लोग लेट आते हैं पांच से छह रिमाइंडर लगा लो और सेशन को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए थैंक यू सो मच एवरी वन एफ थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन हैव एन ऑसम इवनिंग और इसको लर्न कर लेना बिफोर वी मूव टू मुगल इंडिया सोर्सेस ठीक है थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर